देखो एज यूजुअल मैं सबको सेम कलर के कपड़े पहना के लाई हूँ। अभी हम फ्लाइट से 9:30 बजे लैंड हुए थे, अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं कृष्णा वैष्णो ढाबा पे। ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। ब्रेकफास्ट ट्राई किया हमने, सारा खाना बहुत अच्छा था। हमने आलू का पराठा, पाव भाजी और आलू टिक्की चाट खाई, और चाय बहुत अच्छी थी, बिल्कुल एप्ट मीठी। अब हम जा रहे हैं शिकारा से अपनी हाउस बोट पे। हमने ना निगीन लेक में अपनी हाउस बोट बुक करी है, क्योंकि डल लेक बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड रहता है। हमें थोड़ा पीसफुल सा चाहिए था। थोड़ा स्पन दिखाई दे रहा है। हे गाइस, दिस वाज माय फर्स्ट ट्रिप टू कश्मीर। और जब आप पहली बार कश्मीर जाते हैं ना, तो कम से कम एक दिन के लिए हाउस बोट में स्टे का एक्सपीरियंस तो बनता है। वैसे तो डल लेक इस चीज़ के लिए काफ़ी फेमस है, बट बिकॉज इट्स टू क्राउडेड नाउ, तो हमने अपना स्टे निगीन लेक में बुक किया था। वन टिप फॉर ऑल ऑफ यू, अगर आप मई से सितंबर के बीच श्रीनगर जाते हैं, तो ऐसी हाउस बोट बुक करिए जिसमें एसी हो, क्योंकि इन मंथ्स में दिन का टेम्परेचर 35 तक चला जाता है, और एनीवेज आपको वुडन स्ट्रक्चर के अंदर ज़्यादा ही गर्मी लगती है। हमने हरमुख हाउस बोट बुक की थी, इनकी काफ़ी सारी लग्जरी हाउस बोट्स हैं, और इनकी सर्विस और खाना भी काफ़ी अच्छा था। सो लेट मी गिव यू अ टूर ऑफ द ब्यूटीफुल हरमुख हाउस बोट्स। वेलकम जेनू। यहाँ से ऊपर टेरेस है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। दिस इज द पैंट्री। दिस इज वन रूम। स्वीट रूम, ब्यूटीफुल, बड़ा सुंदर है भैया। हेलो, दिस इज द मास्टर वॉशरूम। ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। जरा टेरेस भी देख के आते हैं।
टेरेस। इस हाउस बोट पे वैसे तो 3 रूम है बट शायद 2 अवेलेबल थे, तो हमने इन्हीं के हाउस बोट है सामने ये वाली एक रूम इसमें लिया है। आप ये बीच में गार्डन है, इससे क्रॉस कर सकते हैं, आपको डिफरेंट सा नहीं फील होगा, ऐसा फील होगा कि एक ही फ्लैट में ऐसे 3 रूम है। तो एक ये हाउस बोट है हमारी, बीच में गार्डन है और एक वो हाउस बोट है। यहाँ से ये वाला, हाँ लग्जरी है, ये प्यारा सा गार्डन क्रॉस करके सामने इनकी दूसरी बोट है। देखते हैं, एक रूम यहाँ पे भी है हमारा। ऐसे बेड दोनों है? हाँ, इस वाले में। वेलकम ड्रिंक। डिनर के लिए टेबल सेट है। मटन, ये चिकन, इसने कुछ नहीं खाया ना, तेरी जरूरत है चिकन। यम्मी यम्मी। हेलो बेटा, आलू मटर। हेलो, और वो क्या है? यम्मी यम्मी चावल होंगे, उसमें दाल है। गार्डन, दो हाउस बोट्स के बीच में ये गार्डन है, सो ब्यूटीफुल है, प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हैं ना यहाँ। सुबह का ब्रेकफास्ट, रात में हमने इनको बता दिया था, दिस इज उपमा, इसमें बच्चों के लिए प्लेन मसाला ऑमलेट, आप लोगों के लिए आलू पराठा। थैंक यू। ये टिश्यू बॉक्स कितने का? ये 2200 का है, इसमें बड़ा भी है, वो 2500 का है, उसमें लॉक भी है। और ये वॉल प्लेट? दिस इज 3000, कलर्स डिफरेंट डिफरेंस। ओके, अब दूसरा बॉक्स है इसका, ये देखो, विंड चाइम दिखाएंगे और दूसरा लाइट शेड में भी है। अरे जो भी आप दिखा रहे हैं प्राइस तो वो वाला 350 का है मेरे के हाथ में, वो वाला। ये कितने का? ये 850 का। ये 850 का ऐसा वाला झुमका 150 का, कितना बड़ा। तो मैं अपने बाथ सॉल्ट लाना भूल गई हूँ, तो शावर जेल को यूज़ करके अपने बाथ बनाते हैं। एंड नेक्स्ट इज ऑफ दिस ब्यूटीफुल टब। जेनी चले, 11 बज के हमें पहलगाम जाना है, चलो छोड़ के अब इस बोट पे बैठ के हम जाएंगे वापस। ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग व्लॉग्स ऑफ माय कश्मीर सीरीज।
You can also connect with me on Instagram for all the stay and food recommendations from my travel experiences. Bye!